नमस्कार दर्शकवृंद, सेंचुरी टाइम्स में आपके बहुत बहुत स्वागत है। अब देश में पूरे देश में कई प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव लाई गेल अवस्था है। हम सब चुनावी परिचर्चा के क्रम में आई प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार एक गोटे से बातचीत करब। वही क्रम में देश के एक हॉट सीट कहल जाए से धनुषा के क्षेत्र नंबर 3 के ख क्षेत्र से वही से एक उम्मीदवार चित परिचित जनकपुर शहरी क्षेत्र से लगायत के परिचित व्यक्तित्व असगर अली जी हमरा सबके साथ में छथि। असगर जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सेंचुरी टाइम्स के भी और शुभ दीपावली के शुभकामना छठ के शुभकामना दी तो हम प्रदेश सभा सदस्य जनकपुर राजधानी के प्रदेश सभा के उम्मीदवार छी अपने सबके हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना करै छी। असगर जी अपने किया कब फाइनल के लिए चुनाव लड़बे एकाएक कलश छाप से मतलब एकाएक नाम अपने के लिए चुनाव लड़ रहा छी तीन का जे तीन ख माफ करो शहरी क्षेत्र से हो जनकपुर के तो केना के चयन के लिए के कब केना मतलब की मन में आयल किया तो अपने बहुत दिन से समाज सेवा लगायत में लागल छी अभी अपने उपमेयर सेहो रहली वार्ड अध्यक्ष सेहो रहली तो कहिया फाइनल के लिए जे हम चलू अब हमरा प्रदेश सभा में लड़बाक छै। सबसे पहले तो की भेलै कि मधेश आंदोलन भेलै 62-63 के ओकर जे सही सबके भावना रहै जेके आधार पर संविधान सभा में बहुत मधेश के अधिकार पहचान और दलित पिछड़ल वर्ग सीमा के समुदाय के आवाज उठाव के जे काज भेलै वही के बाद जे राजनीतिक दल सबके गठन भेलै मधेशवादी दल सबके सत्ता के होल में कभी इधर कभी उधर कभी वही पार्टी कभी वही पार्टी के चलते जे ई सब जे मधेश मुद्दा के गोल कर देलकै तै के चलते तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के गठन भेलै और हमर सबके एक ही धारणा है कि जते देश में राष्ट्र से वंचित समाज है जे दलित है पिछड़ल है मधेशी है जनजाति आदिवासी समाज के थे ओकर आवाज उठावे वाला कोई राजनीतिक दल होबक चाही ओय के चलते तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के गठन भेलै आ हम ओकर केंद्रीय सदस्य छी आ हम सब मधेश मुद्दा के जीवित रख के लिए और संपूर्ण मधेशी के साथ साथ लगाए समाज के जते समुदाय है ओकरा सब के लिए आवाज उठावे के लिए पार्टी गठन भेलै आ वही के लिए काज करै छी और करित रहब काहे कि अन्य पार्टी मुद्दा छोड़ देने है हम सब मुद्दा के बचा के रखे के प्रयास के लिए। तो की मतलब कनी अपने के क्या तो पार्टी के चर्चा के लिए तो उम्मीदवारी से फरक प्रसंग में जो बात करबे अपने छोट सन एकदम ब्रीफ में तो पार्टी के साइज अपने सब एतबे एते छोट छै कि उ जिता के पठा देल बावजूदो अपने सब के मतलब संख्या बल नहीं पुगते जे अपने सब किछ करी ओहि ठाम तो किया मतलब एकर समस्या के तो समाधान अल्टीमेटली नहीं भेलै ना। देखल जा जब सब मुद्दा छोड़ देलकै तो बीज बहुत छोट होइ है और जब जमीन ओकरा गाड़ल जाइ है तो अंकुर बन के एक ठो रुख बन जाइ है वही तरीका से हमर पार्टी जे है ना अभी छोट यहाँ के लग गया लेकिन मुद्दा में हम सब इतने सजग छी इतने सशक्त छी कि सब पार्टी हमरा सबके से जलन करते आ हमरे पार्टी में सब मधेशवादी दल के लोग सबके यही मुद्दा के लगे चलते भविष्य में ये हम आशो रखे छी और मधेशी जनता मधेशी युवा के किसान के सब कोई के ई पार्टी प्रचलित करते से हम अपने के विश्वास दिलाबै छी। हम सटीक एकदम छोट राखब और सटीक बात करब किया तो जनता अभी बहुत लंबा बात सुनेला उनका सबके अपने फुर्सत नहीं है किया तो उम्मीदवार के संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ मुद्दा सब से जरा जन जनता से डायरेक्ट सरोकार हो जना कि तीन ख अपने बुझे से शहरी क्षेत्र है युवा सब क्षेत्र के युवा सब प्रदेश के राजधानी के मूल अंग पड़े इमे जनकपुर धाम महानगर पालिका के तो अपने के पूरे प्रदेश से लोग सब ऐठाम आबे छै विभिन्न आशा आकांक्षा अपेक्षा राखि कऽ अपने के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर्यटन कृषि ये सब किस हम सब मतलब बूंदागत टिपोट के लिए कि अहिमे अपने के की योजना छै तो हम शुरू करब अपने के पहले शिक्षा से शिक्षा में हमरा एकदम छोट सन में एक मिनट के अंदर में शिक्षा में अपने के की योजना छै शिक्षा के प्रकाश पारल जाय सबसे पहले तो शिक्षा के जो सरकारी कॉलेज के और सरकारी स्कूल के जो दयनीय अवस्था है ओकरा सुधार करके मध्यम वर्ग के लोग के पढ़ावक ओकर बच्चा के पढ़ावक के लिए स्वच्छ शिक्षा देवक के लिए और उन्नत शिक्षा उन्नत प्रविधि युक्त शिक्षा प्रदान करे के लिए हम प्रयास करब वही के लिए हमर ये उम्मीदवारी है। आज एजुकेशनल जोन के धारणा हमर आज 30 वर्ष से है हमरा आशा है कि हम वही में प्रयास करब तो जनकपुर नगर पालिका एजुकेशनल जोन बनते आ एक युवा
सबके रोजगारो मिलते, शिक्षित होते तो एक सम्मान भी बढ़ते और सरकारी स्तर के जो स्कूल या कॉलेज है ओकर उन्नति में हम काम करब, प्रयास करब, वही के लिए हमारी उम्मीदवारी है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में किस अपने की योजना एक मिनट के अंदर? एक मिनट के अंदर हम कही अपने के कि स्वास्थ्य में जो प्रादेशिक अस्पताल के साथ साथ अभी जनकपुर नगर पालिका बहुत बड़ा व्यापक जनसंख्या वाला क्षेत्र है और स्वास्थ्य के हेल्प सबके अवस्था नाजुक है, एक एक अस्पताल सब निर्भर है। हम चाहे कि प्रत्येक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छा MBBS डॉक्टर रहे वाला हेल्थ पोस्ट के अवधारणा लगे हम और वही के साथ साथ आधुनिक प्रविधि के जो अस्पताल में सुविधा संपन्न होते और अस्पताल में प्रसूति के जो समस्या है जो बहुत परेशान है और बच्चा के लिए जो इलाज में बहुत परेशानी ओकरा अच्छा व्यवहार करे के लिए हम प्रयासरत रह और ओकरा लिए हम जतेक बढ़ कोशिश कर। पर्यटन जनकपुर जैसे अपने के पर्यटन से अछूता कहियो नहीं रह सके छे, वेले पर्यटन एकटा मूल एजेंडा हम सब बुझे छी, विश्वास करे छी जे अपनो सब रखने हेबे एकरा मूल एजेंडा में। पर्यटन में अपने की धारणा से एक मिनट के अंदर? सबसे पहले अपने के बुझू जानकी जी के पवित्र नगरी जनकपुर धाम के विश्व के हिंदू धर्मावली के आकर्षण के केंद्र है, धार्मिक नगरी, पौराणिक नगरी है। ऐ के साथ साथ जानकी मंदिर के साथ साथ जत्ते मठ मंदिर है ओकरा अच्छा से संवर्धन, सौंदर्यकरण और पर्यटन के बढ़ावा दिए के लिए आकर्षण करने के विभिन्न किस्म के धार्मिक लाइब्रेरी, धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र सबके निर्माण, धार्मिक प्रवचन के अच्छा से अच्छा व्यवस्था, जैसे लोग यहाँ आके रिसर्च करें और लोग बुझे कि धार्मिक महत्व के जनकपुर के गरिमा की है और एक गरिमा के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हमारा से जते प्रयास होते हम करें चाहिए आ करित रह। कृषि देखिए मधेश के क्षेत्र जो है ना कृषि के उज्जवल भविष्य, लेकिन सिंचित के अवस्था नहीं होके, उन्नत प्रविधि के अवस्था नहीं होके, खाद के समस्या जो रहे कि खाद आपूर्ति नहीं होके और खास करके युवा सब के कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए नया नया जो प्रविधि है, नया नया जो साधन है ओकरा नए निर्माण कला से नए देला से युवा सब कृषि से वंचित हो रहा है और अपन खाद समस्या के समाधान नहीं हो रहा है, खाद के संकट काल लग रहा है मध्य में। अय ले पहले सिंचित के बाद उन्नत प्रविधि और बीज और युवा के रोजगार कोई में ज्यादा से ज्यादा मिले तेरा लिए नया नया प्रविधि, नया नया हरित कृषि के खेती ऐ सब के विकास के प्रयास में हम रह। इस सब जे चारिटा मुद्दा छै बेहतर हेतै तो रोजगार अपने सृजना भऽ जायत, लेकिन हम एकटा फिर से जे रोजगार के जे बूंदा हम सब रखने छी तो रोजगार के अपने के ओवरऑल धारणा की छै, केना युवा जे छै बेरोजगार नहीं रहते, केना रोजगार मिलतै? जब ही शिक्षित होई ना तो शिक्षित के प्राविधिक शिक्षा अगर देते रहे, नया नया स्किल देवे, ट्रेनिंग सेंटर सब खोलबे अई प्रदेश में अई क्षेत्र में तो विद्यार्थी सब वो ट्रेनिंग लेते तो स्वराज के अवधारणा अपना मन में अपने चल जाते, काहे कि बगैर इल्म से, बगैर हुनर से, बगैर सीप से कोई आदमी रोजगार नहीं कर सकी थी। तो जब सीप मूलक तालीम के व्यवस्था होते तो रोजगार में अत्यंत विकास होते कि युवा सब रोजगार के वंचित युवा अपने आप के स्वावलंबन युवा बन जाते और औद्योगिक की तरफ लगते, छोटा छोटा उद्योग खोल करके बेरोजगारी के समस्या का समाधान होते और शिक्षित बेरोजगार की संख्या जब व्यापक रूप में बढ़ रहे तो उनमें कमी होती। ये मूल एजेंडा जे कि प्रदेश के प्रसंग में से अपने किया तो प्रदेश सभा सदस्य के चुनावी दौड़ में छे तो ये सब तो मूल एजेंडा भेले जे पूरे प्रदेशवासी के सेहो सरोकार के रखी छे, लेकिन जनकपुर के खास करके बात करब जे ख के जे शहरी क्षेत्र पड़े छे एमे एकटा नया जल्दो बल्दो समस्या आके खाने पानी के आबि रहल छे जे मूल एकदम घनत्व वाला शहरी क्षेत्र छे ओहिमे अब कल जे 400 फीट वाला 450 फीट वाला सेहो फेल भऽ रहल छे, लोक सबके खाने पानी के समस्या भऽ रहल छै, बहुत घर में जे सर्वे कयल जेतै तऽ बहुत खाने पानी के समस्या छै, वही के की अपने सोचने छी, धारणा की छै? एक तऽ नंबर एक ओ हम अही में साथ में जोड़ब जे जे क्षेत्र के हम सब बात कर रहल छी जैसे अपने उम्मीदवारी देने छी ओहि क्षेत्र में सर सफाई के मुद्दा सेहो बारम्बार उठत रहै छै, हाले फिलहाल अपने के युवा सब के प्रदर्शन लगायत के अपने सेहो देखने हेबै तऽ ई सफाई आ खाने पानी अइ के ऊपर की छै अपने के? देखो सबसे पहले बहुत नीक प्रश्न उठेलिए अपने, खाने पानी के समस्या के लिए हम 15 वर्ष से लोग के कह रहे थे एक लेयर जो है ना नीचे जा रहा है और पानी की एक जब तक के कोई नदी से जोड़ करके पानी ला करके बांध बांध के डैम बना करके पानी संचय करते नहीं और जब तक ओकरा फिल्टराइजेशन करके जनकपुर के पानी देते तो आज के दिन तो नहीं, हमारा लगे कुछ दिन के बाद टंकी से पानी और
करतै आ जनकपुर के जनता पानी पीतै से न बतै खाने पानी के क्षमता नहीं है। 20-15% लोग के घर में मात्र खाने पानी के सुविधा गेलै वही से संपूर्ण काज नहीं होइ छै। एहि लेल जरूरी है कि कोसी डाइवर्सन हो या कमला के नहर के ला करके हो जनकपुर के रेंज में वो बड़ा विशाल जलाशय निर्माण हो वही में से पानी ला करके फिल्ट्रेशन कर करके जनकपुर के जनता के सुलभ तरीका से प्रदान करे वही के लिए हम प्रयास करब। दोसर बात सफाई के बात है तो ये स्थानीय सरकार के है वही में हमारा से जते सहयोग होते स्थानीय सरकार के करब आ कहबे चाहे ये काज करूँ वही में प्रदेश सरकार अगर हम जीते तो प्रदेश सभा सद के हिसाब से जते सहूलत होते हम ओते वही में प्रदान करब आ जनकपुर के स्वच्छ सफा सुंदर शहर बनाबे के लिए हम प्रयास करब और सुंदर शहर होते तो अपने मने बाहर के लोग आते टूरिज्म डेवलप होते रोजगार बढ़ते आ जते व्यवसाय के आज कमी है वो व्यवसायी लोग भी प्रसन्न होते अपन व्यापार कर करके ये आशा रखते। असगर जी हमरा सबके जे एजेंडा छले मूलभूत हम सब प्रयास के लिए जब अपने से उतर ली अय के अलावा अपने के कुछ एजेंडा छे कि अपने जनता से राखल जाब है मधेश के जनता के सबसे पहले समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्य के प्रत्येक अंग में होबक चाहिए। नागरिक के बेटा गैर नागरिक फलाले ओकरा नागरिकता प्रदान होबक चाहिए जैसे लाखों बच्चा शिक्षा अध्ययन नहीं कर पा रहे विदेश कमाए नहीं जा रहे विभिन्न रोजगार नहीं पा रहे शादी विवाह नहीं भर रहे इस बहुत बड़ा समस्या है। वही के चलते मधेसी के जो मूल समस्या है समानुपातिक प्रतिनिधि सब जगह सहभागी और नागरिक के मूल अधिकार नागरिकता प्रदान करके होबे चाही ते के लिए हम प्रयासरत रह आ नागरिकता विहीन नागरिक के लिए हम आवाज उठाए और प्रयासरत असगर जी बहुत निक बात सब भेलै किएक तऽ जनता अभी बहुत लंबा सुनबाक अभी पर्व त्यौहार के टाइम चलि रहल छै बहुत लंबा नहीं सुनै छथिन छोट में आइ हमसब अइ अंतर्वार्ता के क्लोज करब रैप अप करब अंत में अपने छोट में जनता के किछ अपील करबाक चाहै छी तऽ हम समय दै छी सब जनता से अनुरोध करबै कि अपने प्रत्यक्ष प्रदेश सभा सदस्य 3 ख के हम उम्मीदवार छी हमरा मदद करू आ फिर से शुभ दीपावली और छठ के शुभकामना करब और सफलता के अपने सबके आशीर्वाद से उम्मीद रखब ये कहते अपन समाप्त करें।